आपके लिए पवित्र आपा को आप कैसे डिफाइन करोगे? कौन है पवित्र आपा, क्या है पवित्र आपा? पवित्र आपा कौन है? एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, तो उसके हाथ पाँव है, ब्रेथ लेता है, अपना ऑक्सीजन खुद लेना चाहते हैं, वही है पवित्र आपा। और क्या चाहता है? ऑक्सीजन मेरा खुद का हो, आसमान मेरा हो, जमीन मेरा हो, और वही चीज़ है कि पवित्र आभा सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, कोशिश करते हैं कि ऐसे जिए, सब लोगों को साथ में, ऐसे नहीं, ऐसे जीने से अच्छा कि ऐसे जियो। बहुत बढ़िया है ना, तो उसमें और कोशिश करता हूँ कि हमेशा सुखी रहे, मतलब सुखी इन द सेंस हैप्पी, चाहे कितना भी दुख हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हैप्पी रहने के लिए कोशिश करना चाहिए। व्हाट आई ट्राई। सो दापन स्टार्ट हुआ था कौन से ईयर में? 2003 और अब आया 2021, तो ये पूरी जर्नी जो थी दापन की अब तक और इससे आगे कुछ इसका आइडिया है आपको, कैसे कहाँ ऐसे पूरी जर्नी कैसे निकली, अब क्या आगे? ये 2003 कब था और आज क्या है, आई डोंट नो अबाउट दैट, वो मैं कैलकुलेट नहीं करता कभी भी। मैं कितना बूढ़ा हो गया या तो फिर मैं कितना दिन काम किया, वो ऑन कैमरा नहीं दिखता वैसे, है ना, और कितने साल में और करूँगा, डिपेंड कि आप लोगों से कैसे बातचीत हो रही है, आप लोगों से कैसे मैं चल रहा हूँ, इट्स डिपेंड ऑन दैट। बाकी तो ठीक है यार, अपना तो चलता ही रहता है। तो इतनी सारी समाज के अंदर प्रॉब्लम्स है और आपको 2003 से आप काम कर रहे हैं डाफिज्म को ऊपर के ऊपर लेके, और आप आपका जो स्किल सेट है थिएटर उसके थ्रू और बहुत सारी जगहों पे जहां आप डेवलप करने की कोशिश करते, तो और कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनमें आप कोशिश करते कि डाफ लोग यहां पर दापन में आने के बाद डेवलप करें अदर देन थिएटर एंड इन थिएटर अदर पार्ट्स? पहली बात तो ये जो मैंने ग्रुप शुरू किया था, दैट्स नॉट फॉर ओनली डाफ। अच्छा, ठीक है, ये पूरा हमारा एरिया का जितना भी बच्चे हैं, चिल्ड्रेंस है, यूथ है, उनको लेके काम करना मेरा मकसद था 2003 में, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी शांति था ही नहीं पहले, कोई भी माहौल नहीं था, कोई थिएटर का माहौल हो या तो फिर कोई कल्चरल माहौल हो, माहौल नहीं था लेकिन सब कुछ था, स्पोर्ट्स था, कल्चर था, अपना सब कुछ है, लेकिन वो माहौल घर के अंदर या तो फिर कहीं सहमी सहमी सा ऐसा कि कोई, हाँ, डर के माहौल में जी रहे थे। हम लोगों को तो कुछ भी नहीं मिला, ना एक बड़ा क्लब मिला, ना एक बड़ा एक इवेंट कहीं मिला, तो वही NSD जाने के बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे जितना कम से कम मिला गाँव से आके, इसको मैं क्यों ना जाके गांव में जाके अपने गांव के लोगों के साथ, बच्चों के साथ काम शुरू करें। तो वैसे काम शुरू किया था। देन ये जो ड्वार्फ के साथ मैंने काम किया, दैट वाज 2008 में मैंने सोचा, मतलब काम शुरू किया, दिमाग में तो था, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्वार्फ के लिए मैंने थिएटर बनाया था, इट्स नॉट लाइक दैट, लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं उनको अलग से, अलग बैकग्राउंड में अलग से अगर रखूंगा तो फिर तो वही ह्यूमिलेशन होगा। तो मेरा टारगेट ये है कि एक साथ रहे, बिल्कुल, ताकि उनको कोई, है ना, कि जैसे सर्कस का जोकर जैसा बिहेव करते, कहीं मिला हुई कहाँ से आ गया, शादी किया कि नहीं, है ना, हाय हेलो नमस्ते तो दूर की बात है, तो वो सब चीज़ें मुझे लगा कि ऐसा हम क्यों करते हैं। तो वही पैसा सोच के मैंने 2008 से 2011 लास्ट तक, ऑलमोस्ट 12 तक, उनको घर घर जाके ढूंढा आसाम में। अच्छा। मेरा और दोस्त लोग भी थे, जैसे मेरा अलग डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई है तो मैं उनको बोलता था, यार कोई अगर ऐसा है तो मेरे को खबर करो या तो फिर जाके बात करो। तो वैसे वैसे करके 4 साल लगा मुझे, तो उसके बाद फिर मैं इसी जगह पे उनको इकट्ठा किया था 2011 लास्ट में, मेरे ख्याल से दिसंबर। तो हाँ, ऐसे तो घर में जाते थे ना, एक दो लोग मिलते हैं गांव में, तो यहाँ जाके जब 30 लोगों को मैंने इकट्ठा किया फर्स्ट डे, यहाँ पे जब 1 2 3 4 5 से 30 अच्छा, लोग आके बैठा, तो मैं भी हिल गया था, अरे कहाँ से शुरू करूँ अब। और वो लोग भी बहुत ये थे, मतलब
क्यूरियोसिटी उनको भी था कि अरे मेरे जैसा इतने लोग हैं क्या, वो तो घर में है अकेला रहते हैं लेकिन इतना लोग तो एक साथ नहीं देखा उन लोगों ने भी। तो वैसे काम शुरू हुआ, फिर वर्कशॉप शुरू किया मैंने 45 डेज का, फिर वहाँ पे उनको जानने का कोशिश की, काफ़ी थिएटर गेम्स हम लोगों ने किया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम किया। सो वो सब करने के बाद फिर मैंने एक प्ले किया किनू कौं, व्हाट टू से, क्या कहे। उस प्ले को मैंने पूरा इंडिया में अब तक शायद 100 क्रॉस हो गया उसका शो, उसको करता रहा। फिर जैसे जैसे वो शोज बढ़ते गए, क्योंकि थिएटर एक ऐसा माध्यम है ना कि उसको उसमें खुद एक्टर जाके परफॉर्म करते हैं, इट्स नॉट लाइक फिल्म कि फिल्म लेके चला गया एक्टर कहीं और पड़ा हुआ है, फिल्म कहीं और दिख रहा है। सो थिएटर का वो बहुत एडवांटेज है, तो जहाँ जहाँ भी गया उनको बहुत रेस्पेक्ट मिला, लोग आके उनको बातचीत करते हैं उनसे। फिर प्ले खत्म होने के बाद कम से कम 15-20 मिनट का सिर्फ क्लैप ही बजते हैं खड़ा होके, आउटस्टैंडिंग है ना, उसे वो हौसला। तो हाँ वो सब चीजें धीरे 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 बोने ना बोल के उनका नाम बोल के बुलाना शुरू किया, जैसे किसी को लंबो मोटो ना बोल के जैसे दीपांशु अंकुश बोल के हम बुलाते हैं। तो शुरू हुआ, अभी तो बहुत लोगों ने फिल्म भी बनाया उसके बाद, जब से हम लोगों ने काम किया लोगों को पता चला कि हाँ, तो चल रहा है अभी। बाकी अपना जो भी है जितना हो सके हम अपना एक सेटअप बना के गांव बना के वहाँ पे रह रहे। आपका दिल कहाँ पे ज़्यादा लगता है, थिएटर में या मूवीज में, आप दोनों काम में है? नहीं नहीं, मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टर हूँ। अच्छा, सो एज एन एक्टर मैं एक्टिंग करता हूँ और थिएटर में करता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, थिएटर में करता हूँ। अच्छा, तो आप और ये सिनेमा जो है वो करवाते हैं, करवाते हैं। अच्छा, अच्छा पैसा मिला तो गया, कैरेक्टर अच्छा लगा तो गया, नहीं तो मैं जाता नहीं। तो आपका दिल मतलब थिएटर है? डेफिनेटली, क्योंकि थिएटर में, मैं वही बोला कि थिएटर में हमें एक लाइफ को स्टडी करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए बहुत बड़ा एक मकसद, एक मौका मिलते है। और बीइंग एन एनएसडीएन, क्योंकि मैं एक्टिंग पास आउट हूँ, सो डेफिनेटली यार एक्टिंग तो थिएटर एक्टिंग फिल्म एक्टिंग नहीं होता है, आपका की टेरिटरी है ये, एक्टिंग एक्टिंग है। तो मुझे अगर कैरेक्टर अच्छा लगा या कोई अच्छा पैसा दिया तो मैं एक्टिंग करता हूँ डेफिनेटली। तो आपकी लाइफ का वो यूरेका मोमेंट कि जब आपको लगा कि नहीं अब तो मुझे यही करना है जो आप कर रहे हो, पता नहीं कब तो होता गया, बीच में रास्ते में अपने आप आ गया कि मतलब अपने आपने किसी एक दिन बैठ के सोचा कि यार अब तो मुझे यही करना है मेरे को ऐसे। हाँ, ये हाँ, क्योंकि मैं जब गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था ये एमए, तब तक मैं ऐसे थिएटर में नहीं था पूरा फोकस। अच्छा, मैं फुटबॉल खेला, फुटबॉल में मैं नेशनल प्लेयर हूँ, स्टेट को रिप्रेजेंट किया था। फिर खो खो, कबड्डी, फिर मैं ये इंस्ट्रूमेंट बजा लेता हूँ, लेटर इंस्ट्रूमेंट, फिर गाता भी हूँ थोड़ा बहुत। तो हर जगह पे ऐसा था, मल्टी टैलेंटेड। हाँ, मतलब हाँ ऐसा बोलते तो मल्टी टैलेंट, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नॉन टाइप। तो हर जगह पे था। फिर तब भी हमारा एक ग्रुप था, तो उसमें भी हम लोग जैसे मोबाइल थिएटर होता है यहाँ का, तो मोबाइल थिएटर में बहुत लोग आते हैं देखने के लिए। अच्छा। तो उसमें हम लोग साइकिल स्टैंड देते थे पहले, तो जो लोग नाटक देखने के लिए आते हैं उसका साइकिल रख लेते हैं, जब तक नाटक खत्म होता है तो एक एक साइकिल का 1-2 रुपया लेते थे, ठीक है ना। तो उसी पैसे से फिर हम लोग जैसे ड्राइंग कंपटीशन, फिर ये सब करवाते थे। तब भी हमारा एक ग्रुप था, ये गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के टाइम में? नहीं नहीं, वो तो स्कूल टाइम पे ही था। अच्छा, स्कूल टाइम पे कर दिया? अरे बाप, तो वो बहुत पहले का था। फिर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में जब मैं हॉस्टल में था, तो किसी ने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में देखा, मैंने भी देखा, अरे ये तो तुम्हारा काम का है यार, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तुम जाओ। फिर सब लोगों ने बोला, मैं भी, मुझे भी लगा, फिर मेरा भाई लोगों ने भी बोला, बड़ा भाई, तो फॉर्म तो आ गया। लेकिन उस वक्त पहला जब फॉर्म आया, तब मैं एक एल्बम में काम कर रहा था हम लोगों ने, स्पॉन्डन करके, हॉस्टल से ही, क्योंकि मैं ड्राइंग मतलब
पेंटिंग करता था पेंटिंग तो पहले तो ग्लो साइन वगैरह नहीं था कैनवा मतलब इसमें तो ब्रश से लिखते थे ना दुकान का नाम किसी का पोर्ट्रेट बनाना हो वो सब मैं करता था तो उसमें से जितना पैसा मिलता था उसी से मैं पढ़ाई भी करता था यूनिवर्सिटी लाइफ में तो वैसे ही कुछ पैसा इकट्ठा करके हम लोगों ने एक एल्बम बनाया था उसी एल्बम के चक्कर में मेरा NSD नहीं हुआ पहले बार अच्छा उसमें फॉर्म ही नहीं भरा फॉर्म नहीं भरता तो नेक्स्ट बार फिर से आया फॉर्म आया तो फॉर्म हम भर दिया तो कलकत्ता में जाके दिया उसका एंट्रेंस प्रिलिमिनरी प्रिलिम्स जो है कलकत्ता में हुआ फिर इंटरव्यू हाँ उसमें पास हो गया फिर उसके बाद दिल्ली में 5-6 दिन का होता है फाइनल इंटरव्यू वहाँ भी हो गया फिर जब NSD गया तब से ये फोकस्ड हुआ थिएटर नहीं तो तब तो मुझे ये जब मैं NSD गया तब मुझे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी नौकरी मिला था तो एक हाथ में NSD एक हाथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड 3 पोस्ट वो कल्चरल स्पोर्ट्स कोटा में था तो बैंक का काम के लिए नहीं था आज तक मैंने नहीं सोचा वो पता ही नहीं था मैं क्या जब मैं NSD गया तब भी पिताजी वो पता नहीं वो दिल्ली गया है तो और ज्यादा वहाँ उस टाइम पे कम्युनिकेशन टेलीफोन ये सब तो इतना नहीं होता था लेकिन वो घर में ही सपोर्ट था कि जो भी कर रहे हो अच्छा ही कर रहा होगा भरोसा है वो आज तक है इतनी धूप में आपने पहले कभी इंटरव्यू दिया पसीने आ रहे हैं ना अच्छा लग रहा है अभी अभी खत्म थोड़ी हुआ अभी तो शुरू हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि पसीनों से हम भर चुके तो आप ये बताओ कि आप इस एरिया में आप बता रहे हैं कि 2001 जब आप NSD गए उस टाइम से पहले यहाँ पे ट्रिगर चलता था मिलिटेंसी एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा थी और अब उसके बाद आप इतने बड़े एक्टर अपने टैंगो चार्ली से लेके अब आप भावेश जोशी और अभी आप मूवी कर रहे हैं तो इस पूरे पीरियड में आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं क्यों ना मुंबई शिफ्ट हो जाऊँ यहाँ पे ये कभी नहीं मैं तो मुंबई में हूँ 2 घंटे का फ्लाई करता हूँ क्यों मैं वहाँ खर्चा करो घर लेके है ना आज अभी भी मुझे ऑडिशन के लिए फोन कर रहा है अच्छा तो मैं मुंबई में हूँ डेफिनेटली हूँ अच्छा लेकिन मैंने वो नहीं किया जो बाकी लोग करते हैं कि पूरा शिफ्ट हो गया नहीं मुझे मुंबई में ही रहना है मुंबई में रहने के मुझे रह के मुझे काम करना है वो थोड़ा सा बेवकूफ़ी लगा मुझे क्योंकि मुंबई ऐसी जगह है माया नगरी बोलते हैं ना अगर मुंबई आपको पसंद है तो कहीं से भी ढूंढ के लेके जाएगा और मुंबई आपको पसंद नहीं है तो आप कितना भी पैसा लगा लो बाप का पैसा खर्चा कर दो कभी क्लिक नहीं होता है वो कभी नहीं पाते तो मेरा मकसद तो थिएटर करना है मेरा एरिया को लेके बच्चों को लेके काम करना है तो डेफिनेटली मैं अगर मुंबई में रह के यहाँ आके काम नहीं कर सकता हूँ मैं यहाँ रह के मुंबई जाके काम कर सकता हूँ सो वो है मैं वो आपने चूज करा और आपको आपका जमीन आपका घर का जमीन ही आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं बाकी तो वहाँ पे नाम होगा काम होगा पैसा होगा वो तो पूरे जो मेरे यहाँ पे जो मेरा हवा पानी जो मैंने बोला मेरा ऑक्सीजन मेरा बाकी कुछ भी दे लो पैसा तुम्हारे ऑक्सीजन में अपना तो डेफिनेटली मैं ये कभी मुझे सोच के भी दुख नहीं हुआ मैंने सोचा भी नहीं भला कि मुझे ये जब टैंगो चार्ली में किया था आजादी बगन ने मेरा शॉट देख के बोला था यार तू मुंबई आ जा अच्छा मनी शंकर ने भी बोला था 1 साल के लिए तेरे को घर देता हूँ तो खाएगा क्या मुझे नहीं पता लेकिन घर दूंगा 1 साल के लिए मैंने बोला नहीं आप मुझे बुला लिया करो वहाँ से 2 घंटे में हवा मेरी उधर इस एरिया में इतनी मिलिटेंट एक्टिविटी और आपका फेस लुक भी बचपन से मतलब काफी टाइम से सीरियस था पकड़ता था ना आर्मी हर जगह तो थोड़ा कैसा लगता था कैसा था कुछ कोई इवेंट अगर आप शेयर करना चाहे ये बहुत कुछ है अरे कितने बार मैं आर्मी कैंप गया हर किसी को तलाशी करते टॉर्च मारते रात को या तो फिर दिन में खिड़की से आया मुझे देखा ही नीचे फिर चेकिंग वेकिंग हुआ ये हुआ फिर कैंप लेके गया कुछ के वो सब तो चलता रहता अभी इवन NSD पास आउट होने के बाद मेरे ख्याल से क्योंकि कुछ दिन में दिल्ली में भी कोई फ्रीलांसिंग वगैरह काम करता था तो आना जाना रहता था तो टी शर्ट्स देता उस मेरे ख्याल से
तो मेरा ग्रुप चल रहा था, तो मेरा बाल भी लंबा था तब थोड़ा सा, एक्ट थ्री डाउन, तो मैं काम उस दिन क्लास व्लास करके गया, सब लोगों ने मेरे को फूल वूल दिया था टीचर्स ने। अच्छा, तो शाम के टाइम पे स्टेशन रोड में जाके स्टेशन में रोटी खा रहा था, तभी 5-6 गाड़ी आई आर्मी, फिर जाके सीधा पॉइंट किया मेरे को, खाना खाते हुए, हाँ ये क्या है, मैंने पूछा क्या हो गया सर, नहीं नहीं आपके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिला है, अच्छा आपको आना पड़ेगा क्या, अच्छा स्पेशली आपके लिए, हाँ फिर बैग वैग चेक किया, उसमें फूल देखा, ये फूल क्या है, मैंने बोला मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, ये है वो है, नहीं नहीं फिर भी आपको जाना पड़ेगा, फिर मैं गया लेके गया, फिर टांगला में हल्ला हो गया, पवित्र को आर्मी उठा के लेके गया, तो वहाँ पे गया, मेरा हर बार मतलब मेरा लक अच्छा है, तो वहाँ जाके उनका जो भी मेजर है या तो फिर जो भी कैप्टन है उनसे मिला, तो उसने जानकारी ली, मेरा पूछा ये क्या, वो फिर बोला अरे तुम लोगों ने तो सही हीरो को लेके आया है, फिर कॉफ़ी वॉफी पिलाया, फिर मैं ठंडा हो गया, ले मार तो नहीं खाऊंगा कॉफी भी होगा, हाँ लेकिन बाइक नहीं दिया मेरे को, बाइक नहीं दिया मतलब वापस मेरा मेरा जो बाइक है वो, अच्छा, वो उन्होंने रख दिया, क्योंकि वो यूपी का रजिस्ट्रेशन था, मैं दिल्ली में ही खरीदा था उस बाइक को, अच्छा यूपी 32X6707, ये रिपोर्ट लगवा रहे हैं आप कैमरे में, ये बाइक मुझे याद है इसके लिए, तो ये बाइक पहली बाइक होगी ना मेरे ग्रुप में, अभी भी पड़ा हुआ है वो, पहली बाइक होगी, हाँ 15,000 में खरीदा था, मेकअप करके पैसा मिला था दिल्ली में उससे खरीदा था वो, सो उस बाइक से सब लोगों ने सीखा यहाँ पे मेरा ग्रुप में, बहुत लोगों ने सीखा उस बाइक से, ये सब मेमोरीज है, तो वो बाइक आपको आज तक वापस नहीं मिली, वो कैंप में गए तो, नहीं नहीं बात नेक्स्ट डे लाके, अच्छा नेक्स्ट डे बुला के दिया, अच्छा उस दिन बाइक नहीं, क्योंकि उस दिन नहीं दिया, पता नहीं उन लोगों का वो तो ईगो है, जानबूझ के, हाँ नहीं इसको फिर भी एक टेस्ट बाकी रखा उन लोगों ने कि कल आएगा कि नहीं लेने, अच्छा टेस्ट कराए जो, तो वो सब चीज़ें हैं, लेकिन बाद में तो आजकल आर्मी खुद मेरे पास आते हैं, अब तो खैर कोई भी दूसरा अगर जैसे जो मेन कैंप है बेस कैंप है वहाँ कोई अगर कॉर्नल या कैप्टन कोई आ गया नया तो पहले विजिट करे, वो आके विजिट करता है क्या है क्या नहीं है पूछते, तो वो आपने डेवलप किया, तो हाँ आजकल, हाँ वहाँ से यहाँ तक, यहां तक लेकिन रिश्ता अभी भी है आर्मी के साथ, क्या वो अपनी बाइक से आते हैं, अब वो यहाँ अपनी गाड़ी से आते हैं, पहले आपको बुलाते थे लेके जाते थे, तो जो लोग आपको खींचते थे आपने उनको खींचा इतने सालों में, हाँ वो काम खींचा मैंने, सस्टेनेबल कितना है आपके हिसाब से दापुन, क्योंकि आप काफ़ी, हमने बहुत सारी कैरेक्टर ऐसे देखे हैं दापुन के अंदर, जैसे आपको फिल्टर वो और वाटर फिल्टर, आपने जो डस्टबिन बनाया वो बैम्बू के हैं, उसका बहुत क्रिएटिव चीज़ें हैं, बहुत मज़ेदार चीज़ें, तो कितना सस्टेनेबल दापुन है अपने हर मामले में, अपनी चीज़ें बनाने में, जैसे आप फार्मिंग अपनी खुद करते हैं, मैं खाना उगाते हैं, कितना अभी तक तो जितना है सब हमारा ही है, कुछ है मतलब हम अपने आप में ही सस्टेन कर रहे हैं, कोई थर्ड मेरा दो हाथ है तीसरा हाथ तो है नहीं, सो सबका दूसरा हाथ मिलके दो दो हाथ मिलके बहुत हाथ है, बहुत सारे, लेकिन तीसरी वाले नहीं थर्ड वन इज मिसिंग, सो मेरे ख्याल से ये जैसे आप लोग आके बात कर रही है तीसरा हाथ है मेरे ख्याल से, बिल्कुल सो जब तक जान है तब तक जहान है, और सब कर रहे वो चीज़ें चल रही है, हाँ और अगर आप अपनी, हम इतना तो मेरे पास है भूखा नहीं मरेगा कोई, इतना तो मेरे पास है कि कोई नंगा नहीं रहेगा, उतना मेरे पास है और ऑक्सीजन मेरा है, ऑक्सीजन मेरा है जिस जगह पे हम रहते हैं वहाँ पर पेड़ पौधा से लेके सब कुछ हमारा है, कि मैं आँखों के सामने उसको बढ़ते हुए देखा, तो उतना तो हमारे पास है, और सस्टेन करने के लिए और क्या चाहिए, बाकी तो खुद ब खुद कर लेगा, तो हवा पानी और खाना आपका है, हमारा है, इसके अलावा और कुछ, सोच हमारा है, सोच और बाकी वहाँ पे उतना मैं अगर दे रहा हूँ, कल को अगर तुम्हारा जैसा क्रिएटिव लड़का मेरे साथ रहेगा तो बाकी तो वो अपने आप कर ही लेगा, तो अभी NSD में है दो बच्चे, एक तो NSD पास आउट हो गया, वो भी इतनी से था क्लास 4 से ही मेरे साथ था दोनों, एक अभी सेकेंड ईयर में है NSD में, एक पास आउट होके वो NSD रेपर्टरी कंपनी में कर रहा है, अच्छा तो वैसे काफ़ी स्टूडेंट है जो बाहर जाके अभी काम कर रहे हैं, तो यही ये हैप्पीनेस है, यही वो आके हमें देखे या ना देखे अलग बात है,
लेकिन उनको हम लोगों ने एक रास्ता दिखाया, एक मुकाम तक उनको पहुंचाया, तब मैं गाली देना बंद करता हूँ। लेकिन जब तक वो सक्सेस नहीं होता है, जब तक उसको मैं नहीं समझता हूँ कि नहीं ये अभी तक ठीक नहीं, तब तक वो मार भी खाता है, गाली भी खाता है उसके लिए। और मेरा गाली और मार जो झेलता है वही बन पाता है कि बाहर वो इतनी गाली और मार सहन कर पाए। प्रिपेयर हो जाओ इतना, यहाँ से पक्का करके भेजते हो उसको। बस बस बस, लेकिन वो मार ऐसा नहीं कि गुस्सा आ गया तो किसी को मार दिया, कहीं का और गुस्सा कहीं आके ये ऐसा सोच समझ के कि हाँ ये जरूरी है वो वाला, उसके लिए मैं मतलब वैसे वैसे जाके मैं बहुत सस्पिशियस हो गया। ये क्यों ऐसे क्या बोला, ऐसा क्यों किया ये ऐसा, क्योंकि सबका फैमिली बैकग्राउंड अलग है। आपको छोटी छोटी चीज मेरे साथ जितने लोग रह रहे, और ऐसा नहीं है कि सबको मैं बचपन से लेके आया, कोई 20 साल के बाद आया, कोई 25 साल के बाद आया, कोई 10 साल के बाद आया, कोई 9 साल के बाद आया। एक टाइम वो लोग अपने हिसाब से बिता के आया है, तो सडनली एक स्ट्रक्चर में आके उनको फटक से बदल देना इट्स नॉट इजी, उसके लिए टाइम लगता है और समझना पड़ता है। हाँ, वो प्यार बहुत ज़रूरी है, गाली में भी प्यार होना जरूरी है। जब वो प्यार दिखता है इसके लिए तो गाली खाने के बाद भी वो काम करता है। मेरा घर में तो जैसे मेरा पिताजी भी एक कैरेक्टर है, मेरी माँ एक कैरेक्टर है, माँ बहुत अच्छा गाती है। अरे वाह। लेकिन वो भजन जो मंदिर में जो नाम से आपको वो ट्रीट, और पिताजी बहुत अच्छा भगवत पाठ करते हैं ना जो मंदिर में, बिल्कुल। और उसका बहुत बड़ा एक गैंग भी है, उसका मुखिया है पिताजी। अच्छा, अरे वाह। मतलब हाँ, एक समाज कम्युनिटी है और उसका। हाँ, जैसे हमारा यहाँ शंकरदेव का नाम सुना होगा, शंकरदेव। हाँ, शंकरदेव जो है हमारा गुरु है असम का, और असम को बहुत आगे लेके गया लिटरेचर में, कल्चर में, हर चीज़ों में। तो उसको कुछ लोग है असम का, ऑलमोस्ट सब लोगों ने उसको वो उनको फॉलो करते हैं। एक जुना के लहर है, और मेरे बीवी वो साइलेंटली मुझे सपोर्ट करती है इस ये सब काम में। वो स्कूल टीचर है अभी। अच्छा, स्कूल जाती है बहुत दूर, एक मतलब 70 किलोमीटर जाती है स्कूल। 70 किलोमीटर यहाँ पर। हाँ, सुबह उठ के सारा काम करके 7 बजे स्कूल जाती है, फिर आके शाम को फिर वही।